ये गीत है, आप लोग भी बताएंगे, आप भी बताएंगे इसमें ऐसा क्या शब्द है जिससे समाज में जो है वैमनस्यता फैल रही है या फिर सामाजिक सौहार्द बिगड़ रहा है, तनावपूर्ण माहौल क्रिएट कर दिया, मतलब आप जो कर रहे हो उससे कुछ नहीं हो रहा। मैंने आपका जवाब दे दिया, आपसे सवाल कर लिया, तो मैं जो है समाज में तनावपूर्ण माहौल क्रिएट कर रहा हूं। आखिरी सवाल क्या, नैसिन राठौड़ रुकेगी या फिर इस नोटिस के बाद? एग्जैक्टली, बिल्कुल नहीं रुकेगी, वो अभी नहीं रुकी है यार, अभी क्या रुक जाएगी? और आपको लगता है इनके डराने धमकाने से मैं डरती हूँ, धमकती हूँ? मैं एक लोकतांत्रिक देश में रहती हूँ, मुझे मेरे सवाल करती रहूंगी, मुझे मेरे अधिकार पता है, मुझे पता है कि सवाल करना जो है वो संविधान में लिखा है। बिल्कुल नहीं घबराऊंगी, बिल्कुल नहीं डरूंगी, बिल्कुल नहीं रुकूंगी। नहीं नहीं, पहले भी मुझे इस तरह से एक दो बार और अलग गीतों पे, दूसरे गीतों पे नोटिस भेजा गया, पर इस तरह से पुलिस का लद के मेरे घर पे चले आना, जुम्मा 8 महीने हुए मेरे शादी को, इतनी बड़ी बात होती है हमारे यहाँ बिहार में? दिल्ली में इतनी बड़ी बात नहीं होती होगी, लेकिन हमारे यहाँ मेरी मम्मी डर जाती है कि आइल रहे बच्चिया, पुलिस दरोगा का कर आइल रहे, है ना, उनको लगता बहुत ऐसी हो गई है। अब मेरे ससुर जी वहाँ अकेले रहते हैं, मुझे पूरा पता है कि बहुत परेशान है, और वो ऐसे कहते नहीं है, तो वो भी एक कह रहे थे कि बेटा परेशान नहीं होना, क्या हो गया, ये सारी चीज़ें। और इस तरह से मैंने कौन सा बड़ा क्राइम कर दिया है यार कि आप लोग एकदम से पहुँच जा रहे हो लद करके कि हाँ भैया हम आ गए हैं फलाने जी को पकड़ने, है ना? तो ये लोग डराने धमकाने का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक तरह से दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। एक्चुअली इनको पसंद है कि सत्ता का गुणगान करे कोई तो भैया हाँ जी हाँ जी, और मेरी तरह कोई लोक गायिका अगर सरकार से सवाल पूछ दे तो उसके घर में नोटिस भेज देते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।